हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज असी करांगे एक सम जिहड़ा कि वर्ड प्रॉब्लम सम है, तो एंगल्स उत्ते बेस्ड है, बहुत ही ईजी सम है। तो नाल ही मैं ये वाला सॉल्व करके एक होर थम सम दऊंगी जिहड़ा कि तुसी खुद सॉल्व करना है। तो हुण असी सॉल्व करते हैं। सो स्टेटमेंट हैगी है कि फिगर दे विच इन फिगर लाइनस ए बी एंड सी डी इंटरसैक्ट, ए बी एंड सी डी इंटरसैक्ट करते हैं, मतलब कि आपस में कट होंगे एट ओ पॉइंट उन्हों का बन जाता है। ठीक है, इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, जेकर ए ओ सी एंड बी ओ ई, मतलब कि आ वाले दो एंगल्स का जोड़ा प्लस है वह 70 डिग्री बनता। ठीक है, तो अपने को बी ओ डी जोड़ा एंगल है बी ओ डी कि 40 डिग्री। ठीक है, तो आप फाइंड की करना वा सी ओ ई फाइंड करना, तो ना ही इनू रिफलैक्स कर देना। रिफलैक्स करना मतलब होंगे कि जोड़ा सारे एंगल का सम है, जाने कि 360 डिग्री दे विच्चों सी ओ ई नू माइनस कर देना, तो जिद कि रिफलैक्स हो जाएगा। सो फस्ट ऑफ ऑल असी जो कुछ अपन गिवन होएगा वह लिख लाँगे, गिवन दैट एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। इट मीनस 40 डिग्री ए वाला ए ओ सी दे भी इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ने। एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीजन की है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये आप शॉर्ट फॉर्म लिखने होंने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। तो हुण अगे की आ जाएगा अपने को, जिहड़ा आपां नूं सम दित्ता सी उन्होंने 70 डिग्री वाला उन्हूं सॉल्व कर लेंगे। ये आप कह सकते हैं ए ओ सी मिल गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई है ना, यही है ना, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई का सम कि है 70 डिग्री, विच इज़ गिवन। आप ब्रैकेट गिवन भी लिख सकते हैं। सो ए ओ सी की वैल्यू अपन पता लग गई बिकॉज बी ओ डी देना वो की सी वर्टिकली ऑपोजिट सके, 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो इतने हम आप बहुत पता है, बहुत ईजी होंगे है कि जोड़ा भी इधर प्लस के होएगा उधर जाके दूसरी साइड की हो जाता है, इनू माइनस हो जाता है। तो बी ओ ई की वैल्यू अपने को आ गई 30 डिग्री। हूँ आपको पता है जब अपने को ए ओ सी आ गया, जाने कि आ वाला एंगल भी फाइंड कर लिया, बी ओ ई की वैल्यू पता लग गई 30 डिग्री। तो आप हम सी ओ ई बहुत ईजी तरीके फाइंड कर सकते हैं। किहड़ा फॉर्मूला लग सकता इत्थे, इत्थे लगेगा लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर किवें लग जू, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन की है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर नूं आपां एल पी भी लिख सकते हैं, इहदी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो नैक्सट हम आप वैल्यूज पुट कर देंगे। जेकर तुसी लिखोगे 70 डिग्री भी लिखोगे, ठीक है, दोनों का प्लस है क्योंकि वह भी सही है। जेकर तुसी कली कली दी वैल्यू पुट करके एक स्टैप होर लिख दोगे वह भी सही है। तो मैं थोनों स्टैप वाइज लिखवा दिनी हाँ, जे तुसी ये वाला स्टैप स्किप भी करना है वह भी तुसी कर सकते हो, बिकॉज कि आपां नूं पहले ही इन्हां दा सम गिवन है 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180। हुण सी ओ ई दी वैल्यू आपां नूं किवें पता लगेगी, 180 दे विच जद आपां 70 डिग्री नूं माइनस कर देंगे, एंगल सी ओ ई दी वैल्यू किन्नी आ जाऊ अपने कोल 110 डिग्री। हुण उन्होंने की किया वा नाल रिफलैक्स सी ओ ई, रिफलैक्स भी करना है। सो रिफलैक्स होएगा, फस्ट ऑफ ऑल आपां लिख लैणा रिफलैक्स सी ओ ई, एंगल सी ओ ई। ठीक है, एंगल जरूर पाउणा है नाल, उहनूं की करांगे 36 डिग्री दे विच्चों एंगल सी ओ ई माइनस कर देंगे, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल्स टू 250 डिग्री, ये अपने को पूरा सम आ जाएगा। ठीक है, ये तुसी देख सकते हो बहुत ही ईजी सम है। ठीक है, तो हुण मैं तुहानू एक सम दवांगी जिहड़ा कि तुसी खुद सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी सम आ। तो कमेंट्स के विच तुसी आंसर देने हैं, जिवें कि तुसी मेरी एडिटिव इनवर्स वाली वीडियो नू इन्ना ज़्यादा लाइक्स किए, ठीक है, इन्ने मतलब उन्हें देखिया, तो यह बार मैं आई होप कि तुसी ये भी देखोगे। ठीक है, तो हुण मैं तुहानू सम दवांगी।
सो गाइस थोड़ा नेक्स्ट सम है गए सेकंड के इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट्स एट ओ इफ पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3 फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सो आप ये की करना है बहुत ही ईजीली मैं थोड़ा एक बार ये मैथड दस दिनी हाँ आंसर तुम्हें जो फाइनल आंसर है वो तुम्हें क्ढना है। सो ये अपने उन्होंने अपन कहता कि एक्स वाई इतने वाई आना सी एक्स वाई एंड एम एन इंटरसैक्ट करते हैं जाने कि आपस क्रॉस करते हैं ठीक है तो ओ पॉइंट बन जाता उन्होंने इंटरसैक्ट करके तो अपन अपने को पी ओ वाई की वैल्यू देती है 90 डिग्री बिकॉज के जोड़ा भी एंगल एकन थोनू दिसेगा वह हमेशा 90 डिग्री होएगा जिथे आ वाला एकन साइन बनया होएगा ठीक है वह 90 डिग्री होंगे है चाहे मैनशन अपन डायग्राम से ना किया बट ए साइन जो अपन हमेशा दस देगा। उस बाद ए रेशो बी जाने कि ए ते बी वैल्यूज की ने रेशो दे विच देती हैं उन्हां दी वैल्यू की है रेशो दी ए दी वैल्यू 2 बी दी वैल्यू रेशो 3 ठीक है। सो उन्हां नूं आपां की कहांगे आपां उन्हां नाल नंबर लै लांगे जिवें कि हुण आपां ए दी वैल्यू लै लांगे ठीक है 2k जां फिर 2l लै सकदे हो ठीक है बी दी वैल्यू 3k हुण आपां नूं 90 डिग्री इधरला तां दित्ता होया ठीक है एडी वैल्यू अपन पता है एडी वैल्यू की आऊगी 90 डिग्री ही आऊगी ठीक है पूरा क्योंकि इधर भी 90 डिग्री है। सो ये सम की हो जाएगा 2k प्लस 3k 90 डिग्री। उस बाद एज इट इज़ जिवें आप पहला इधरला सम सॉल्व किया उवें तुसी इहनू सॉल्व कर लेना तो मैनू फाइनल आंसर है जिहड़ा तुसी मैनू कमेंट्स दे विच दस्सिओ ताकि तुहानू भी सम पता लगे कि किवें करना है तो बहुत ही ईजी सम आ। थैंक यू हैव अ नाइस डे मिलते नैक्सट वीडियो। तो बाय बाय एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।